15 सालों में हमारे भारत का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा ग्रो हुआ है। हमारा भारत वो देश है जो रशिया यूक्रेन के वॉर के बावजूद रशिया से तेल खरीद सकता है। समवेयर यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। हमारा भारत यूएसए का सबसे बड़ा हथियार है चाइना को काउंटर करने के लिए, जो अमेरिका को आगे जाके काम आ सकता है। चैप्टर 1 इकोनॉमिक पावर हाउस। आप ये चार्ट देखिए, इस चार्ट के हिसाब से भारत की इकोनॉमी $3.5 trillion की है और वो भी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है ये यूएस और चाइना के मुकाबले काफी कम है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में आते हैं और हमारे मार्केट भी दिन बर दिन ग्रो होते जा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ कौन बिजनेस नहीं करना चाहेगा। ऊपर से हमारे भारत के पास चीप लेबर भी है जो अमेरिका को आगे जाके काम आ सकता है। चैप्टर 2 जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पिछले 10 से 15 सालों में हमारे भारत का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा ग्रो हुआ है। हमारा भारत वो देश है जो रशिया यूक्रेन के वॉर के बावजूद रशिया से तेल खरीद सकता है। समवेयर यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। और G20 को G21 बना सकता है और इजराइल पैलेस्टीन की वॉर में न्यूट्रल रहकर दोनों देशों को अपने हिसाब से मदद भेज सकता है। पिछले 10-15 सालों में हमारा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से कोई भी देश हो हमसे रिलेशनशिप्स खराब नहीं करना चाहता, फिर चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो। चैप्टर 3 इमर्जिंग टेक्निकल हब। आप ये ग्राफ देखिए, ये वो ग्राफ है जो इंडिया की सर्विसेज का एक्सपोर्ट दिखाता है। हमारे भारत ने जो $254 billion की सर्विस एक्सपोर्ट की है, उसमें से $157 billion तो सिर्फ आईटी सर्विसेज है। ये एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ पिछले 2 decades में CAGR 14% से ग्रो हुई है। और मुझे आपको ये बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि TCS, Wipro, HCL Technologies, Tech Mahindra जैसी बड़ी कंपनीज इंडिया का नाम आईटी सर्विसेज में काफी रोशन कर रही है, लेकिन सिर्फ बड़ी कंपनीज ही नहीं, कई सारी छोटी कंपनीज भी इंडिया को टेक्निकल हब बनाने में काफी अच्छे से मदद कर रही है। चैप्टर 4 चाइनाज अल्टरनेटिव। हमारा भारत यूएसए का सबसे बड़ा हथियार है चाइना को काउंटर करने के लिए। आप ये डेटा देखिए, इस डेटा के हिसाब से चाइना को अमेरिका $195 billion का सामान बेचता है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, अमेरिका चाइना से $562 billion का सामान खरीदता भी है, यानी कि अमेरिका चाइना को अपनी जेब से $370 billion देता है। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना स्मार्टफोन से लेकर कार तक हर चीज बनाता है। अभी यूएसए चाइना के ऊपर कई सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डिपेंडेंट है और यूएसए इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है, क्योंकि चाइना कभी भी इस डिपेंडेंसी का फायदा अपने फेवर में ले सकता है। चाइना से डिपेंडेंसी कम करने के लिए यूएसए का भारत सबसे बड़ा हथियार इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास चीप लेबर है और उसी चीप लेबर का फायदा यूएसए इन फ्यूचर कभी भी उठा सकता है, ताकि यूएसए धीरे धीरे चाइना पर से अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। चैप्टर 5 ग्लोबल लीडरशिप। हमारा भारत दुनिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है। मल्टीपोलर यानी कि एक या दो देश से ज्यादा पावरफुल देश पूरी दुनिया में होना। हमारा भारत दुनिया को ये बताना चाहता है कि एक या दो देश से भी ज्यादा कई सारे पावरफुल देश दुनिया में हो सकते हैं। ये वर्ल्ड मल्टीपोलर भी बन सकता है और ये आज से नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से लेकर चंद्रयान बनाने तक सारे कदम इसी दिशा में लिए गए हैं और हमारा भारत सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है, हम वसुदेव कुटुंब की भावना को फॉलो करते हैं। हमारा देश पूरी दुनिया के लोगों के बारे में सोचता है, फिर चाहे वो देश हमारा दोस्त हो या ना हो, उससे हमारे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में अगर कभी भी कहीं भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, तो सबसे पहले हमारा भारत उस देश की मदद करने के लिए आगे आता है, फिर चाहे वो देश हमारा दोस्त हो
या ना हो, इससे हमें सही में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने कोरोना के टाइम पे लाखों करोड़ों वैक्सीन फ्री में कई देशों को दी, जिससे उनके लोगों की हेल्प हुई, उनके लोगों की जान बच सकी। हम चाहते तो इन वैक्सीन के करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन हमने सबसे पहले इंसानियत को रखा। और एट द एंड मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि भारत के होने से यूएसए को फर्क पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सौरव साइनिंग आउट।